मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर एबी को लॉस एंजलिस छोड़कर एक नई सिटी में जाकर कॉलेज ज्वाइन करता देख सकते हैं। मदर की गुजर जाने के बाद वो बचपन में फादर के साथ ही रहती थी। उसके फादर ने उसे पोकर सिखाया था, इसमें वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो चुकी थी। अपने पोकर की एबिलिटीज की वजह से वो फेमस भी थी। उसके बाद उसके फादर ट्रेवल में आने लग गए थे, एबी को ही हमेशा उन्हें छुड़वाना पड़ता था। पर इस सब से दूर अब वो कॉलेज जा रही थी। कॉलेज पर पहुंचने के बाद वहां पर अपनी फ्रेंड से मिलती है। उसकी फ्रेंड का नाम था मेसन। मेसन उसे कैंपस के रूम तक छोड़ देती है। मेसन का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था शिपले। शिपले एक नॉर्मल सा बॉयफ्रेंड था। मेसन हमेशा बहुत बुरे लड़कों को डेट करती थी। इसके बारे में वो एबी को कहती है कि शायद इस बार शिपले मेरे लिए अच्छा लड़का है। आज रात उन दोनों को बाहर लेकर जाने वाला था। एबी तो पहले इसके लिए मना कर रही थी, पर मेसन उसे जबरदस्ती लेकर जाती है। वो पहुंचते एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में। वहां पर वो ट्रेविस नाम के एक बॉक्सर से टकराती है और उसे देखती रहती है। इस फाइट में ट्रेविस अपने अपोनेंट को हरा देता है। अपोनेंट का खून एबी के स्वेटर पर लग गया था। ट्रेविस इसके लिए उसे सॉरी कहकर वहां से फिर चला जाता है। रात में एबी ट्रेविस के बारे में ही सोच रही थी। जैसे मॉर्निंग होती है तो उसे याद आता है कि आज उसे एडमिशन लेना है। उसने अपने साथ पोकर से खेले हुए पैसे लाए हुए थे। ये सारे पैसे उसने बेड में छिपाए थे, तो ये सारा कैश जाकर वो प्रिंसिपल को दे रही थी। प्रिंसिपल उसे कहती है कि तुम इस तरीके से कैश पैसे जमा नहीं कर सकती। एबी कहती कि मैंने अब तक कोई भी अकाउंट नहीं क्रिएट किया है। अपने फादर को इन सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती क्योंकि नई लाइफ जीना चाहती है। वो रिक्वेस्ट करती है कि इस बार कैश पैसे वो एक्सेप्ट कर ले। प्रिंसिपल इसके लिए मान जाती है। एबी के पास सिर्फ इसी सेमेस्टर के पैसे थे। आगे वो क्या करेगी इसके बारे में वो सोचने वाली थी। शायद वो जॉब कर सकती थी। इसी के बारे में जब वो बात कर रहे थे तभी वहां पर शिपले आता है। एबी उससे पूछती है कि कल जहाँ पर तुम हमें लेकर गए थे वहां पर वो बॉक्सर कौन था। शिपले कहता है कि वो हमारे कॉलेज में पढ़ता है, उसका नाम है ट्रेविस। एबी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ट्रेविस एक स्टूडेंट है। जब वो बात कर रही थी तभी ट्रेविस उसके पीछे से आ जाता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद फिर ट्रेविस वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एबी क्लास में थी, इंस्टाग्राम पर ट्रेविस को देख रही थी। उसे पिक्चर्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसी मोमेंट पर उसके पीछे ट्रेविस था और ये सब कुछ वो देख रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हें इस तरीके से मुझे स्टॉक नहीं करना चाहिए। एबी कहती कि मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पीछे लगने का टाइम तुम सेव कर सकते हो। ट्रेविस कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें डिनर के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। आज रात 8 बजे मैं तुम्हारा वेट करूंगा। एबी तो इसके लिए उसे मना करती है, पर फिर 8 बजे उसका वेट कर रही थी। वो अच्छी तरीके से ड्रेस नहीं थी और ट्रेविस अपनी बाइक पर था। वो उसे बाइक पर चलने के लिए मना करती है, पर ट्रेविस उसे जबरदस्ती बाइक पर लेकर ही जाता है। इस डिनर पर एबी ट्रेविस को पे नहीं करने देती क्योंकि उसने कहा था कि ये डेट नहीं है। ट्रेविस उसे कहता है कि अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो हम फ्रेंड्स हो सकते हैं। वो फिर दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। ट्रेविस की फैमिली यही पास में रहती थी। उसके 4 बड़े ब्रदर्स हैं और सब लोग बॉक्सिंग करते हैं, इसी वजह से ट्रेविस इसमें इतना अच्छा है। ट्रेविस भी एबी के बारे में जानना चाहता था, पर एबी कैब कर लेती है और वहां से चली जाती है। कहती कि पहली रात में तुम सब कुछ मेरे बारे में नहीं जान सकते। अगले दिन वो कैंपस में रन कर रही थी। वहां पर एक फ्रिस्बी उसके पास आती है और इसे जब वो फेंक रही थी तो अचानक से एक लड़के को लग जाती है। उसका नाम था पार्कर। पार्कर को बहुत तकलीफ हो रही थी तो एबी उसे सॉरी कहती है। अपने हॉस्टल में जब वो शावर कर रही थी तो अचानक से वहां का पानी बंद हो जाता है। 24 आवर्स तक पानी नहीं आने वाला था। इसके बाद फिर वो मेसन के पास आ जाती है। वो मेसन से पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर एक दिन के लिए रुक सकती हूँ। मेसन इसके लिए हाँ कहती है। रात में जब एबी स्टडी कर रही थी तो ट्रेविस के रूम से आवाज सुनती है। वो क्यूरियस होकर देखती है तो वहां से एक लड़की बाहर आती है। वो लड़की ट्रेविस को देने के लिए अपना नंबर एक पेपर पर लिखती है और एबी को उसे देने के लिए कहती है। एबी ट्रेविस के रूम में झांक रही थी तो ट्रेविस उसके पीछे आ जाता है। ये नंबर वो ट्रेविस को दे देती है, पर ट्रेविस डायरेक्टली इसे फाड़ कर फेंक देता है। एबी कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे लगा था कि तुम दोनों क्लोज हो। ट्रेविस कहता है कि हम दोनों डेटिंग ऐप पर मिले थे, जो भी हुआ था एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंसेंशुअल था। ट्रेविस कहता है कि आज रात तुम चाहो तो मेरे साथ बेड पर सो सकती हो। एबी की टेस्ट थी तो स्टडी करने के लिए वहीं पर वो बैठ जाती है। उसका मार्कर खत्म हो जाता है तो ट्रेवर के ड्रॉअर में देखती है तो वहां पर बहुत सारे प्रोटेक्शन पड़े हुए थे। उसे ट्रेविस के ऐसा बहुत ही अजीब लगता है। वो सो रही थी और थोड़ी देर में ट्रेविस शॉवर लेकर बाहर निकलता है तो उसे चेकआउट करती है। इसके बाद वो फिर से सोने का प्रिटेंड करती है। अगली सुबह उसे सपना आ रहा था और सपने में ट्रेविस को टच कर रही थी। जब उठने के बाद ये बात वो रियलाइज कर
लेती है तो खुद ही ट्रैविस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम मेरा फायदा ले रहे थे। जब ये फाइट चल रही थी तभी उसे रियलाइज हुआ कि आज तो उसकी टेस्ट थी और वो जरा लेट हो चुकी है। जल्दी से उसके लिए वो निकल जाती है। रास्ते में बेचारी गिर भी गई थी। टेस्ट अच्छे से देने के बाद वो फिर से वापस आ रही थी। वो फिर से पार्कर से मिलती है। वो उसे पूछती कि क्या अब तुम ठीक हो। पार्कर इस बात का मजाक उड़ाता है और फिर उसे डिनर के लिए पूछता है। एबी इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। रात में बहुत अच्छे से रेडी होती है। वो दोनों एक अच्छी जगह पर डिनर करते हैं। जब वो वापस आ रहे थे तो पार्कर को एक नोटिफिकेशन आती है। उसे एक शो पर बुलाया गया था। वो एबी से पूछता है अगर तुम चाहो तो मेरे साथ इस शो पर आ सकती हो। सुबह से ट्रैविस एबी को टेक्स्ट कर रहा था पर एबी उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती। इस बात से वो जरा वरीड है। आज ट्रैविस की एक फाइट थी तो शेपली उसे कहता है कि तुम्हें अपनी फाइट पर फोकस करना चाहिए, एबी पर नहीं। पार्कर एबी को जिस जगह पर लेकर जाता है वहां पर फाइट ही चल रही थी। ये फाइट देखकर वो जरा बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो ट्रैविस से टकराती है। ट्रैविस उसे कहता है कि दिन भर तुमने मुझे इग्नोर किया और इस तरीके से दिखते हुए तुम यहाँ पर आ गए। एबी कहती कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आई थी। जब वो बात कर रहे थे तभी ट्रैविस का अपोनेंट वहां से गुजरता है। एबी अपोनेंट को देखकर कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें जरा संभाल के फाइट करना चाहिए वरना ये तुम्हें मार सकता है। ट्रैविस कहता है कि ये तो मुझ पर हाथ भी नहीं डाल सकता। एबी ये बात मानने के लिए रेडी नहीं थी। ट्रैविस कहता है कि हम दोनों बेट लगा सकते हैं, अगर पूरी फाइट में ये मुझे टच नहीं कर पाया और मैंने इसे हरा दिया तो फुल वन मंथ तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। एबी कहती है कि अगर इसने तुम्हें हरा दिया तो 3 months तक किसी भी लड़की के साथ तुम कोई भी कांटेक्ट नहीं रखोगे। वो दोनों फिर इस बात के लिए मान जाते हैं। फाइट स्टार्ट होती है और ट्रैविस अपने अपोनेंट को खुद को टच करने भी नहीं देता और उसे हरा देता है। एबी इस बात पर बिलीव नहीं कर पाती। ट्रैविस उसे कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ घर आ रही हो। जो भी हुआ था ये सारी सिचुएशन एबी पार्कर को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ट्रैविस और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हम दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं है। पार्कर ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था तभी गाड़ी के पास ट्रैविस आ जाता है। पार्कर को ऑलरेडी ट्रैविस के बारे में पता था कि वो कितना ज्यादा अग्रेसिव है और इस वजह से उससे बहुत ज्यादा डरता है। एबी को तुरंत गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। घर पर आने के बाद एबी ट्रैविस को कहती है कि मेरे साथ तुम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते। 30 दिन बेड के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे साथ रहूंगी पर हम दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा, इस बात को तुम्हें हमेशा रिमेम्बर करना है। पहले तो ट्रैविस एबी को बहुत ही अनोइंग लगता है पर स्लोली स्लोली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगने लगता है। हम अलग अलग सीन्स देखते हैं जिसमें वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। एक दिन ट्रैविस एबी को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। वहां पर ट्रैविस के ब्रदर्स को उसकी पसंद आती है। सब मिलकर जब डिनर कर रहे थे तक ब्रदर को जरा बाहर जाना था तो सब मिलकर फिर पोकर खेलने लग जाते हैं। वहां पर वो एबी को भी इनवाइट करते हैं। पहले तो मना कर रही थी पर फिर उसे वो चिढ़ाने लगते हैं तो एबी फिर उन्हें ज्वाइन कर लेती है जिसमें हर बार वही जीत जाती है। ट्रैविस के फादर ने एबी को पूछा था कि वो कहाँ से है। वो लास वेगास से थी और अब वो ये गेम्स भी जीत रही थी। वो समझ जाते हैं कि एबी वो लड़की है जो बहुत ही लकी है और वो सारे पोकर के गेम जीतती है। एबी बचपन में एक सेलिब्रिटी थी और फिर सब लोग उसे पहचान लेते हैं। ट्रैविस के सारे ब्रदर्स एबी के फैंस थे तो उसके साथ वो सेल्फीज वगैरह लेते हैं। एबी को उनके साथ टाइम स्पेंड कर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम और देखते हैं कि ट्रैविस और एबी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन मेसन और एबी बात कर रहे थे। मेसन बता रही थी कि उसे शेपली बहुत अच्छा लगता है, उसे लगता है कि शायद शेपली के साथ वो पूरी जिंदगी बिताएगी। मेसन पूछती है कि तुम्हें ट्रैविस कैसे लगता है। एबी कहती है कि उसकी बॉडी तो बहुत अच्छी है, वो थोड़ा सा क्रेजी भी है पर उसे क्रेजीनेस अपनी लाइफ में अब नहीं चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एबी किसी के साथ लैपटॉप पर बात कर रही थी, वहां पर मिस यू लिखा था तो एबी भी मिस यू 2 लिखती है। अब एबी यहाँ पर सिर्फ और 2 दिन रहने वाली थी। 2 दिन बाद एबी का बर्थडे था, उसके बाद वो फिर से वापस चली जाएगी। ट्रैविस और वो एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और इसमें एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ट्रैविस उसे किस करने लगता है। एबी उससे दूर जाने का ट्राई तो करती है पर वो कर नहीं पाती। इसके बाद वो इंटीमेट होने वाले थे, इससे पहले एबी बाथरूम में चली जाती है। वहां पर वो मेसन को बुला लेती है। उसे बता रही थी कि ट्रैविस को लाइक करती है। ये जब उनकी बात चल रही थी तो एबी के लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आता है। ट्रैविस से देखता है तो उसे पता चलता है कि एबी किसी को मिस यू टू कह रही थी। इस बात से वो गुस्सा हो जाता है और वहां से वो निकल गया। एबी उसके पीछे पीछे जाती है, उसे ढूंढने की कोशिश करती है। रात में उसके लिए बहुत ही परेशान थी पर वो ट्रैविस को ढूंढ नहीं पाती। सुबह ट्रैविस घर पर आता है और बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। एबी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड थी, तुम रात भर कहाँ थे। ट्रैविस कहता है कि तुम मेरे लिए क्यों वरीड हो, तुम जिसे मिस कर रही हो, जिसे अपने लैपटॉप पर मैसेज कर रही हो, मिस यू टू कह रही हो, उसके लिए वरीड हो जाओ। एबी कहती है कि वो मेरे फादर थे, उन्हें मैं मैसेज कर रही थी। ट्रैविस को इस बात से अच्छा लगता है, उसे मनाने की कोशिश करता है
पर अब एबी उस पर गुस्सा थी। वो कहती कि तूने मेरे मैसेज कैसे पढ़े, और वहां से गुस्से में वो चली जाती है। वहां से वो लाइब्रेरी आ गई। लाइब्रेरी में वो पार्कर से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ डे स्पेंड करते हैं। रात में लाइब्रेरी में ही डिनर करते हैं। पार्कर को एक मैसेज आता है और एबी से कहता है कि यहाँ पर एक पार्टी चल रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। इसके बाद वो पार्टी के यहाँ पर आ गए। एक्चुअल में ट्रेविस ने एबी के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की थी। ट्रेविस ने पार्कर को मैसेज किया था कि वहां पर एबी को लेकर आओ। ट्रेविस को जरा बुरा लग रहा था कि एबी डायरेक्टली पार्कर के साथ हैंग आउट कर रही थी। जब वो पार्टी चल रही थी तो एबी ड्रिंक करने लगती है। पार्टी के बाहर मेसन और शेपले इन दोनों की फाइट देखते हैं। शेपले को बहुत सारे बच्चे चाहिए थे और मेसन का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। एक दूसरे से वो बहुत झगड़ते हैं। मेसन इस बात से बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। एबी को सारी बातें बताती है, कहती कि अब वो किसी से प्यार नहीं करेगी। थोड़ी देर में शेपले को बहुत बुरा लगता है और वो मेसन के पास वापस आ गया। वो दोनों फिर से सुलह कर लेते हैं। एक दूसरे के साथ वो बहुत खुश थे। एबी फिर पार्टी में पार्कर के साथ डांस करने लगती है। पार्कर उसे कहता है कि तुम्हें एक्चुअल में जो फील होता है तुम्हें उसी फीलिंग को फॉलो करना चाहिए। मुझे बताया कि तुम्हें ट्रेविस बहुत अच्छा लगता है। एबी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्कर उसे किस करने की कोशिश करता है पर एबी उससे दूर चली गई। पार्कर उसे कहता है कि मैं जो भी कह रहा था ये सारी बातें सच है, तुम्हें ट्रेविस के पास ही जाना चाहिए। एबी यहाँ पर बहुत ज्यादा रंग हो रही थी तो ट्रेविस उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे पूछता है कि क्या आज तुमने कुछ खाना खाया था। एबी ने वैसे कुछ खाया नहीं था तो ट्रेविस उसे कहता है कि तुम्हारे लिए सही नहीं है। एबी कहती कि तुम मेरे लिए इतना केयर क्यों कर रहे हो, कल तो तुम बिना कुछ कहे चले गए थे, तुम्हें रुक कर मुझसे बात करनी चाहिए थी। एबी उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी पर ट्रेविस कहता है कि तुम्हें ही मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, मैं कभी तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो दोनों फिर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। एबी को अचानक से उल्टी आ गई। ट्रेविस फिर उसका बहुत ख्याल रखता है। ट्रेविस ने कहा कि तुम ड्रंक हो और तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसी वजह से मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एबी ने अपने फादर को बताया भी नहीं था कि किस यूनिवर्सिटी में जा रही है। वो सिर्फ गैम्बलिंग से दूर जाना चाहती थी। आज उसका बर्थडे था और उसे बुरा लग रहा था। वो फादर को कॉल कर देती है। वो कहाँ पर किस यूनिवर्सिटी में है इसके बारे में बता देती है। उसके फादर उसे विश करते हैं। अगली सुबह एबी के लिए ट्रेविस ब्रेकफास्ट बनाने के लिए है। वो वापस आता है तो एबी उसे कहती है कि मुझे मसाज करो। मसाज करने के बीच में वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन एबी जब अपने कॉलेज में थी तो एक आदमी उसके पास आता है। उसे कहता है कि मेरे साथ चलो। एबी कहती कि अब मैं गैम्बलिंग वगैरह नहीं करना चाहती। वो आदमी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तुम्हारे फादर के हम पैर तोड़ देंगे। इसके बाद वो डायरेक्टली लास वेगास आ जाती है। एबी अचानक से इस तरीके से गायब हो गई तो ट्रेविस इस बात से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। एबी का फोन भी नहीं लग रहा था। उसके रूम में जाकर सब कुछ चीजें चेक करता है। वहां पर एबी के ढेर सारे उसे पैसे मिले। वो उसके लिए और भी ज्यादा वरीड हो गया। यहाँ पर मेसन और शेपले भी थे। मेसन कहती कि मैं एबी का फोन ट्रैक कर सकती हूँ। ट्रेविस फिर मेसन का फोन लेकर एबी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अभी को उसके फादर के पास लाया गया। फादर कहते हैं कि कुछ लोगों से मैंने लोन लिया था और ये अब मैं पे नहीं कर पा रहा, और वो चाहते कि तुम उनके लिए गैम्बलिंग करो। फादर पर $100,000 का लोन था। जिस आदमी से उन्होंने पैसे लिए थे उसका नाम था बेनी। बेनी अब एबी को गैम्बलिंग करने के लिए कहता है। एक क्लब में जहाँ पर उसे कोई भी पहचानता नहीं वहाँ पर वो ड्रेसअप होकर चली गई। पूरी रात गैम्बलिंग कर $100,000 वो जीत जाती है। जब वो बाहर निकल रही थी तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। वो और कोई नहीं तो एबी का फ्रेंड ही था। वो कहता है कि हम दोनों को कैचअप करना चाहिए। एबी इसके लिए हाँ कहती है। एबी वहां से जा रही थी पर फिर उसका फ्रेंड उसे रोक लेता है। कहता है कि तुम अंडर एज हो और यहाँ पर गैम्बलिंग करना तुम्हारे लिए इल्लीगल है, अगर ये सब करते हुए एबी पकड़ी जाती है तो उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। और इसी बात का एबी को डर था। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि ये पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूंगा। उसे जाने देता है। एबी को इस बात से बहुत बुरा लगता है। रोते हुए अपने फादर को कॉल करती है कि वो कुछ भी कर नहीं पाई। वो फिर बेनी के पास वापस आती है। बेनी उसे कहता है कि अगर तुम अपने फादर को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। जिन भी क्लब्स में तुम जाओगी तो उसकी एंट्री फी मैं दूंगा, और जो भी जीतोगी उसके हम 50-50 पार्टनर रहेंगे। अभी कहती कि मैं सीखना चाहती हूँ, मेरे कॉलेज में वापस जाना चाहती हूँ, मैं गैम्बलिंग नहीं करना चाहती। अब बेनी उसे कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रहा था। तभी वहां पर ट्रेविस आ जाता है। वहां के सब लोगों को मारता है और एबी को लेकर चला जाता है। एबी इस बात से गुस्सा हो गई थी। एबी कहती है कि तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी, सिचुएशन को मैं कुछ ना कुछ कर तो हैंडल कर ही लेती। ट्रेविस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड था। उसे आई लव यू कहता है। एबी उस पर गुस्सा हो गई थी पर फिर आकर उसे किस करती है। वो दोनों फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सारी सिचुएशन के बारे में ट्रेविस सोच रहा था। टीवी पर उसे एक एड दिखती है।
वहां पर फाइट चल रही थी और जो भी फाइट विन करेगा उसे $100,000 मिलेंगे। वो फिर इस फाइट के लिए इनरोल कर लेता है। एबी जब सोई हुई थी तब वो चला गया था। वो जब उठती है तो उसे ट्रेविस का मैसेज मिलता है। वो फाइट करने जा रहा था इसके बारे में उसे पता चलता है। वो फिर उसे रोकने के लिए निकल रही थी। पार्किंग में आने के बाद वो देखती है कि उसके फादर और उसका फ्रेंड ये दोनों वहां पर बात कर रहे थे। फादर और उसका फ्रेंड ये दोनों आपस में मिले हुए थे। उन दोनों ने एबी को फंसाने का प्लान किया था। सारे पैसे अब फादर के पास थे। एबी को इस बात से बहुत बुरा लगता है। वो डायरेक्टली अपने फ्रेंड के पास जाती है और टेजर से उसे शॉक कर देती है। अपने फादर को कन्फ्रंट करती है, कहती है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। फादर कहते हैं कि मेरे पास जीने के लिए भी पैसे नहीं थे, मुझे कुछ ना कुछ कर तो पैसे लाने ही थे, मेरा लक भी उतना अच्छा चल नहीं रहा था। एबी कहती है कि आपको एक नॉर्मल पर्सन की तरह जॉब करना चाहिए, ये सब चीज आपको छोड़ देनी चाहिए। वो फिर उन्हें गाड़ी से निकाल कर वहां से चली जाती है। वो ट्रेविस को फाइट करने से रोकने के लिए आ रही थी क्योंकि अब ट्रेविस को फाइट नहीं करना पड़ेगा। उसे अब पता है कि ये सब एक स्कैम था और बेनी को कुछ भी पैसे अब वो ओ नहीं करती। पैरेलल में फाइट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी और एबी जरा लेट हो गई। वहां पर फाइट बहुत ही हार्ड होती है और बिना रूल्स के खेली जाती है। ट्रेविस का अपोनेंट उसे चेन से भी मार रहा था। ट्रेविस की हालत बहुत खराब हो रही थी, तभी अचानक से वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। आग की वजह से वहां की फाइट बंद कर देते हैं। एबी वहां पर आके और फिर उसे लेकर चली जाती है। ट्रेविस और एबी दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन जब वो वहां से निकल रहे थे तो गाड़ी में उन्हें एक बैग मिलती है। जो पैसे एबी ने जीते थे ये सारे वैसे वही पर थे। एबी को अब ट्यूशन फीस के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वही पर वेगास में वो दोनों शादी कर लेते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।